तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अब एमएसबीटी जो पॉलिटेक्निक का रिजल्ट तो आउट हो चुका है, तो इस बार जो है रिजल्ट काफी पुअर रिजल्ट लगा है। अब इसका रीजन भी सबको पता है, क्यों इतना खराब रिजल्ट लगा है। तो कोरोना के काल में पिछले करीब 2 साल से जो है ना ऑनलाइन एग्जाम होता आया है, और ऑनलाइन में जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, क्लिक क्लिक करना है। और जैसे ही ये जो समर 2022 का जो एग्जाम था वो ऑफलाइन हुआ है, ऑफलाइन मोड में होने की वजह से बच्चों को जो है वो जो रिदम है पढ़ने का वो नहीं रहा। और उसमें किस लेवल तक क्या प्रिपरेशन होना उसका कुछ प्रॉपर, ये सब विभिन्न कारणों से जो है रिजल्ट बहुत पुअर लगा है। तो अब रिजल्ट पुअर लगा है, अब जो है काफी बच्चों का तो नुकसान हो चुका है जो फाइनल ईयर में थे उनके लिए। फाइनल ईयर में जो रिजल्ट है, एक भी पेपर अगर बैक रहा तो भी उनके लिए पूरा साल जो है वो बैठना पड़ेगा, पूरा साल जो है वेस्ट हो रहा है। अब उसके लिए जो है कुछ बच्चों का पेपर काफी अच्छा जाने के बावजूद भी अगर पेपर चेकिंग में कुछ डाउट है कि मार्क हमारा कम आया है, और अगर कॉन्फिडेंट है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है, तो इस हेतु रीचेकिंग का जो प्रोसेस है हम लोग रीचेकिंग के लिए कर सकते हैं, रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हैं। अब उसमें जो प्रोसेस होता है, क्या होता है कि हम लोग अप्लाई करते हैं, और उस हमने जो आंसर शीट जो हमने पेपर छोड़ाया है, हमारे आंसर शीट का जेरक्स जो है हमें अवेलेबल कराया जाता है, और वो जेरक्स को एक्सपर्ट से चेक करा के या अपने सब्जेक्ट टीचर से या खुद वेरीफाई करके कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मार्क जो है वो कम मिला है या ज़्यादा मिलना चाहिए था। तो फिर हम लोग आगे चैलेंज फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो है एक प्रोसेस है। अब जिन बच्चों को जो है पेपर में अराउंड करीब 10 मार्क का जो है कॉन्डो लगता है, तो समझो कि 16-17 मार्क मिला है, 1-2 मार्क या 2-3 मार्क के वजह से पेपर जो है बैक दिखा रहा है ना। ऑन पेपर 70 में 28 मार्क लाना होता है। अब 16-17 मार्क मिला है कोई एक पेपर अगर बैक है, तो अगर 2 मार्क भी मिले तो 18 मार्क हो जाएगा। जैसे ही 18 मार्क होगा तो 10 मार्क का कॉन्डो लग के वो पास हो सकता है। तो ऐसे जो बाउंड्री पे जो पास वाले बच्चे हैं यानी फेल हुए हैं ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, तो वो बच्चे जो है रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रीचेकिंग का जो है फिक्स टाइम ड्यूरेशन रहता है एमएसबीटी का, उसके बाद वो लिंक बंद हो जाता है। और उसका जो डेट है वो 1 अगस्त से लेके 3 अगस्त तक ही वो लिंक ओपन है। अपने अपने कॉलेज में जाए, अपने जो अकाउंट सेक्शन में जाके या फिर जो एग्जाम सेक्शन है वहाँ पे जो भी बाबू बैठा है उनको कांटेक्ट करें, और अपना जो रीचेकिंग अगर करवाना है तो वो रीचेकिंग का फॉर्म भरे। उसका जो है टाइम ड्यूरेशन 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक ही है, तो ये ध्यान रखें। कल से लिंक ओपन हो रहा है, तो 3 दिन में किसी भी दिन जाके अपना फॉर्म भर ले, अगर सब्जेक्ट्स को लेके कॉन्फिडेंट है तो कि मेरा पेपर निकलने वाला है। तो ये सर्कुलर जो है एमएसबीटी का वो भी दिया गया है, देख सकते हैं डिस्प्ले में। और अगर पढ़ना है तो पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में देखे हैं, उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये सब जो है इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्रकार से नोटिफिकेशन पाने के लिए, अच्छे अच्छे खबर जो है एमएसबीटी रिलेटेड पाने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।